आज से और अभी इसी क्षण से कर्ण अंग प्रदेश का शासक घोषित होता है। नहीं कुमार, मुझे स्वीकार नहीं। मैं यहां दान लेने नहीं, अपनी जाति और कुल के लिए सम्मान लेने आया हूं। ये दान नहीं है कर्ण, ये मेरी भेंट है। जिस समय मैं शिष्यास्त्र से बंधित था और मेरे गुरु अपने शिष्य अर्जुन के प्रशंसा में व्यस्त थे, तब तुमने मुझे हिमपाश से मुक्त किया, तो बदले में मैं तुम्हें सूतपाश से मुक्त करता हूं। आज से तुम अंग के राजा हो कर्ण। अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज कर्ण। और अब न केवल तुम अर्जुन को चुनौती दे सकते हो, बल्कि प्रत्येक वो कार्य कर सकते हो जिसको एक राजा का अधिकार है। एक सूत बनकर तुम समाज में बदलाव ना ला सको, परंतु एक राजा बनकर प्रयत्न अवश्य कर सकते हो। राताश्री, जब तक समाज में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके अनुज को शांति नहीं मिलेगी। दुर्योधन, ना तुम युवराज हो और ना सम्राट, तुम्हें इस प्रकार किसी को भी कहीं का राजा बनाने का कोई अधिकार नहीं। कर्ण को इस भांति राजा बनाना नीति संगत नहीं। महामहिम ठीक कह रहे हैं महाराज, किंतु राजकुमार दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराजा के सुपुत्र है। उन्होंने वचन दिया और वो मिथ्या सिद्ध हुआ तो हस्तिनापुर का अपमान हो जाएगा। महाराज, क्या आप अपने पुत्र के वचन की लाज नहीं रखेंगे? आपको राजकुमार दुर्योधन को यह अधिकार देना ही होगा महाराज, ताकि कोई पांडु पुत्र युवराज ना बन सके। दुर्योधन, तुम मुझसे या ताक्षरी से मंत्रणा किए बिना इस प्रकार वचन कैसे दे सकते हो? ये अधिकारों का अतिक्रमण है, परंतु अब ये हस्तिनापुर के सम्मान का प्रश्न है। एक राजकुमार का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए मैं कर्ण को अंग देश का राजा स्वीकार करता। अब तुम अर्जुन को चुनौती देने के पात्र हो। शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
तुम मेरे अभिन्न मित्र हो। मित्रता समानता और बराबरी मांगती है, कहां मैं सूत और कहां आप राजकुमार। कदाचित तुमने महाराज की घोषणा सुनी नहीं, उन्होंने तुम्हें अंगराज घोषित किया है, और अब तुम राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही रूपों में मेरे समकक्ष हो। मैं दुर्योधन तुम्हें वचन देता हूं कि मित्रता के इस बंधन को जीवन भर निभाऊंगा। अच्छे मेरे होने वाले सम्राट, मेरे लिए ये मित्रता उपहार नहीं, मेरे लिए ये मित्रता पितृ और मातृ ऋण से कहीं बढ़कर है। ये राधे कर्ण वचन देता है कि जीवन भर इस ऋण को चुकाऊंगा। मेरी श्वास मेरा साथ छोड़ जाए, ये राधे अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मित्रता का ऋण चुकाने के लिए जीवन में अनेक अवसर मिलेंगे कर्ण, परंतु इस समय अपने अपमान का ऋण चुकाओ। द्वंद करो अर्जुन से, अंगराज कर्ण अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की, अंगराज कर्ण की। महाराज, यदि मैं द्वंद्व में पराजित हुआ तो मैं सदा के लिए हस्तिनापुर छोड़कर चला जाऊंगा, परंतु विजयी हुआ तो पारितोषक में दूतों को अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करने का अधिकार चाहूंगा। चिंता मत करो कर्ण, यदि तुम विजयी हुए तो मैं वचन देता हूं तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। अंगराज कर्ण की इच्छा पूरी होगी। आज्ञा हो तो द्वंद प्रारंभ करें पितामह। अंतिम द्वंद कर्ण और अर्जुन के मध्य होगा। अंगराज कर्ण की, अर्जुन की।
तो अंततः तुम्हारी इच्छा पूरी हो ही गई क्षत्रियो को ललकारने की। मेरी इच्छा तो तुम्हें पराजित करके पूरी होगी अर्जुन। आकाश में चंद्रमा को देखकर उसे मुट्ठी में बंद करने का खेल बालक खेला करते हैं कर्ण, बड़े हो जा। आज तुम्हें ज्ञात होगा कि धनुर्विद्या में तुम मुझसे कितने छोटे हो अर्जुन। कवच ने फिर से तुम्हारी रक्षा कर ली कर्ण, अन्यथा मेरा यह बाण तुम्हारे प्राण ले लेता। कवच तो तुम्हारे पास भी है अर्जुन, बस दो अंतर है हम दोनों के कवच में। पहला, यह कवच मेरे ही शरीर का अंग है। दूसरा, कि मेरा कवच तुम्हारे कवच से कहीं अधिक कठोर है। अब बातों के बाण चल चुके हो तो धनुर्ज्ञान दिखाओ, अन्यथा पराजय स्वीकार करो। बहुत बोल चुके कर्ण, अब देखना यह है कि तुम्हारा कवच कितना कठोर है। यह लालसा अधूरी रह जाएगी तुम्हारी, क्योंकि अगला बाण मुझ तक पहुंचा ही नहीं पाओगे तुम। मेरा अगला बाण ना केवल तुम तक पहुंचेगा ही, बल्कि तुम्हें रणभूमि से बाहर भी खदेड़ देगा। भयस्त्र
अर्जुन कर्ण में भय का संचार करना चाहता है। शांति पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो कर्ण, उपयोग करो। कर दिया है अर्जुन को। लगता है आज देवता भी मेरे ही पक्ष में हैं। प्रजा के समक्ष अपना कौशल दिखाने की चाह में तुमने प्रजा को ही भयभीत कर दिया। तुमने भयास्त्र का प्रयोग करके भूल की अर्जुन। इस प्रकार भरी रंग भूमि में इस अस्त्र के प्रदर्शन की आज्ञा नहीं दी जा सकती। महाविनाशक है यह अस्त्र। आपका अर्जुन अवश्य उत्तर देगा। अर्जुन अवश्य उत्तर देगा। मृत्युंजय अस्त्र।
तेज प्रभास्त्र। अर्जुन कर्ण का धनुष तोड़ देना चाहता है। मंशा तो कर्ण की भी यही प्रतीक होती है। ये कैसा दिन दिखा है एक माता को, एक ही शरीर की दो भुजाएं एक दूसरे को काटने को आतुर है और रक्त बहेगा एक माता का। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.